तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता अच्छे होंगे। एंड आज इस वीडियो में बेटा आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड रिज़ल्ट 2022 के बारे में, ठीक है ना। आपको कहाँ पे रिजल्ट्स मिलेगा, जैसे रिजल्ट अनाउंस्ड होते हैं तो उसके बाद रिजल्ट्स आप कहाँ पे सबसे पहले अपना रिजल्ट देख सकते हैं और रिजल्ट्स कब तक आएंगे, तो इसके बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर आया अपडेट, यहाँ मिलेगा छात्रों को रिजल्ट। देखो इस बार करीब परीक्षा में बेटा 51 लाख स्टूडेंटों ने अपना पंजीकरण करवाया था, ठीक है ना। और 51 लाख स्टूडेंटों ने इस बार क्लास 10th एंड 12th में इस बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और आपको पता है पिछले 2 साल में बोर्ड ने कोई एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करवाया था। 2 साल बाद बहुत कठिनाइयों के साथ जो है बोर्ड ने इस बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट करवाया है। तो इस बार यूपी बोर्ड का जो रिज़ल्ट है बेटा वो आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट सबसे पहले आपको अपने ईमेल आईडी पे मिलेगा। सबसे पहले जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंसड होगा, रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद जो रिज़ल्ट है आपका रिज़ल्ट होगा वो आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा, क्लास 10th एंड 12th दोनों का। इसके अलावा आप upmsp.edu.in पे आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ से अपने रिज़ल्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिज़ल्ट जो है आपके ईमेल आईडी पे भी मिल जाएगा। देखिए कब तक जारी होंगे परिणाम, मतलब रिज़ल्ट कब तक आने वाला है आपका। तो अगर हम बात करें रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जल्द ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। अब तक बोर्ड की ओर से परिणाम के तारीख की आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि परिणाम जून के पहले हफ्ते में जारी किए जाएंगे। देखिए क्या लिखा है कि जो परिणाम जो है वो आपके जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है, जून के प्रथम सप्ताह में आ जाएंगे। मतलब जून के, मतलब जितनी भी आप मीडिया रिपोर्ट्स आप देखेंगे, जिस भी वेबसाइट्स में जाएंगे, आपको एक ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पर कि जो रिज़ल्ट है वो जून के फर्स्ट वीक में आएगा। बट यूपी बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आया है। जैसे ही यूपी बोर्ड की तरफ से अपडेट आएगा बेटा, सबसे पहला नोटिफिकेशंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेटा, ठीक ना। इसके अलावा मैं आपको 3 वेबसाइट्स भी देता हूँ बेटा यहाँ पर। इन वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट। पहला वेबसाइट है upmsp.edu.in, सेकेंड है आपका results.upmsp.edu.in, ये सेकेंड वेबसाइट, इस पर भी चेक कर सकते हैं, या uprezults.nic.in, इस पर भी आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप indiaresults.com पे जाके भी आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको चेक करना है, जिन बच्चों ने पहली बार जो क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे उनको प्रोसेस नहीं पता होगा, तो प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाएंगे, जो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे। इसके बाद होम पेज पे आपको 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट का एक लिंक दिखेगा, उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नए पेज में चले जाएंगे और आपसे कुछ जानकारी यहाँ पर वो मांगेंगी, जैसे आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम भी ये मांग सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं उन इन्फॉर्मेशन को फिल करके जस्ट आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके 5 से 10 सेकंड बाद आपको आपके स्क्रीन पे अपना रिजल्ट्स दिख जाएगा और एक प्रिंट का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करके रिजल्ट को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।